दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल SMKG में। NHPC के शेयर में अभी क्या करना चाहिए? शेयर में थोड़ा गिरावट बन रहा है। शेयर का प्राइस लगभग 90 रुपये के आसपास पहुंच गया था, उसके बाद शेयर में एक बार गिरावट बना और शेयर जो है अभी यहाँ पे 88 के आसपास चल रहा है। गिरावट देने के बाद शेयर का NHPC का शेयर जो कि 115 रुपये के ऊपर पहुँच गया था। तो अभी क्या चल रहा है NHPC के शेयर में और अभी क्या करना चाहिए शेयर में, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल SMKG को शेयर मार्केट के ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं NHPC का। दोस्तों देख सकते हैं जो अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, NHPC लिमिटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर रिबिल्ड। जो NHPC का ओनरशिप है मतलब स्टेक जो है उसको यहाँ पर रिबिल्ड किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट होल्ड 67% ऑफ NHPC लिमिटेड शेयर्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास 67% का स्टेक है NHPC का, वाइल इंस्टीट्यूशन एंड अदर जो बोल सकते कि जनरल पब्लिक है उनके पास 22% का स्टेक है और बाकी जो मतलब 11% स्टेक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास 67% का स्टेक है, इंस्टीट्यूशन के पास 22% का स्टेक है एंड जनरल पब्लिक के पास 11% का स्टेक है रेस्पेक्टिवली। NHPC का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो एक अपडेट हम लोग देखने को मिला था कुछ दिन पहले, जहाँ पे NHPC प्लान्स जो है इन्वेस्ट जो कि इसका हाइड्रो एंड सोलर में जो है सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा NHPC ने बताया था। NHPC का जो Q3 24 का रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला था, जहाँ पे Q3 24 के रिजल्ट पे नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में जो उतना कुछ तेजी मतलब कुछ खास नहीं था। बोल सकते कि एक तरीके से जो इसका Q3 24 का रिजल्ट है तो उसमें नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू उतना कुछ खास नहीं था। NHPC लिमिटेड का जो देखेंगे लगभग 140.47% का जो एक साल में शेयर के प्राइस में तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का देखते हैं प्लान्स टू इन्वेस्ट लगभग 80% इसका जो कैपेक्स है NHPC का उसका 80% जो है हाइड्रो सेक्टर में और 15-20% सोलर सेक्टर और हाइड्रो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये इन्वेस्ट करने वाला है NHPC। तो यहाँ पे NHPC का उसके जल्द बाद जो है हो सकता है कि उसके चलते जो है आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। और NHPC का शेयर जो है देखेंगे जो Q3 का रिजल्ट आया था उसके बाद ही शेयर में एक ज़बरदस्त गिरावट बना Q3 के रिजल्ट के बाद, क्योंकि Q3 का जो रिजल्ट था NHPC का उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला था। NHPC ने एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था जो कि 1.40 पैसे के आसपास का था। NHPC का जो डिविडेंड था, डिविडेंड के बाद शेयर में थोड़ा सा बोल सकते कि स्टॉक में एक तेज़ी बना था एंड उसका बोल सकते कि NHPC जो है अभी देखकर देखते हैं तो एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। NHPC के शेयर में अभी जो इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे NHPC इन्वेस्ट वगैरह करेगी इसके कैपेक्स के 80% और 15-20%, तो देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिर भी जो है यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न उतना बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है NHPC के शेयर में। और म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड के पास 7.42% का स्टेक था NHPC का, जो स्टेक बढ़ा के म्यूचुअल फंड ने 8.17% का कर दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं जो NHPC का यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स, जहाँ पे शेयर का प्राइस जो है देख सकते हैं जो कि 3 महीने में NHPC के शेयर में लगभग 56.4% के आसपास जम देखने को मिला है। वही यहाँ पे देखते हैं NHPC का शेयर जो है दोस्तों जो बोलते कि रिटेल जो स्टेक है NHPC का, रिटेल शेयर होल्डर्स देख सकते हैं जो कि 7% था, यहाँ पे जो घटा के 6.73% कर दिया है। एंड बात करते जो NHPC का रेवेन्यू था, पिछले 2 क्वार्टर के इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो कि 3.19K का रेवेन्यू था, 3.19,000 करोड़ का रेवेन्यू था माफ कीजिए, और जो रेवेन्यू है वो घट के यहाँ पे 2.64,000 करोड़ हुआ है। तो रेवेन्यू में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है NHPC का, जहाँ पे देख सकते हैं पर क्वार्टर 17.2% का जो रेवेन्यू यहाँ पे गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं NHPC का जो प्रॉफिट था दोस्तों, पिछले 2 क्वार्टर के इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट जो है 1.54,000 करोड़ से घट के 491.9 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पर क्वार्टर देखते हैं तो प्रॉफिट में 68.2% का गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। वही FIS के पास जो है देख सकते हैं यहाँ पे 7.59% का स्टेक था, FIS ने जो है स्टेक यहाँ पे घटा के 7.38% का कर दिया है। तो ओवरऑल NHPC का शेयर ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है जिसके चलते ये शेयर एक बहुत ज़्यादा तेज़ी बनाए और या फिर जिसके चलते ये शेयर में जो फिर से एक बार मतलब 115-16 रुपये 20 रुपये 130 रुपये जैसे कि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग का मानना है कि ये शेयर जो है 200 रुपये तक भी पहुँच सकता है। देखिए हो सकता है कि 200 रुपये तक पहुंचे, हर किसी का अलग अलग रिसर्च रहता है, हर किसी का अलग अलग मानना रहता है शेयर को लेकर। फिलहाल यहाँ पे हमें लगता है कि उतना ज़्यादा टारगेट प्राइस वगैरह नहीं रखना चाहिए NHPC के शेयर में। शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उसमें से देख सकते हैं 6 ऐसे एनालिस्ट जिन लोगों ने मतलब NHPC के शेयर को लेकर रिसर्च किया है, उसमें से 67% का मानना है कि NHPC के शेयर में बाई करके चल सकते हैं, होल्ड करने के लिए 0%, सेल करने के लिए 33%। तो शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उसमें से ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि NHPC के शेयर में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको मतलब NHPC के शेयर में ज़्यादा टारगेट प्राइस लेके बाई करना है। हमें लगता है कि एक बार रिसर्च अच्छी तरह से कर लेना चाहिए आपको,
अगर आप ये शेयर में खरीदारी करते हो ज़्यादा टारगेट प्राइस रखते हैं तो। अभी आप देखेंगे एनएचपीसी का एक दिन का जो लो प्राइस देखने को मिल रहा है जो कि 88.80 पैसे का है, और जो हाई प्राइस है 88.90 पैसे का। एक हफ्ते का जो माफ कीजिए 52 वीक का जो लो प्राइस है 38.70 पैसे का, और 52 वीक का जो हाई प्राइस है 115.85 पैसे का। और यहाँ पे देख सकते हैं एनएचपीसी के शेयर में एक महीने में जो इसने हाई प्राइस दिया है 12.7 माफ कीजिए एक महीने में जो इसने इसमें गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है एनएचपीसी के शेयर में जो कि 12.74% का था, और 3 मंथ्स का जो इसका बोल सकते कि हाव इसने रिटर्न दिया था जो कि 57.44% का था, और 1 साल का जो रिटर्न 126.41% के आसपास था। तो एनएचपीसी के शेयर में अभी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है Q3 रिजल्ट में गिरावट बना, और इसका प्रॉफिट जो है मतलब Q3 रिजल्ट में जो इसका प्रॉफिट आया था और रेवेन्यू था दोनों में ही यहाँ पे प्रॉफिट रेवेन्यू में गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। और यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं एनएचपीसी का, टेक्निकली जो है फिलहाल शेयर आप बोल सकते हैं कि मतलब एक 42 लेवल पे चल रहा है, मतलब अगर आप अभी देखते टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आधा घंटे का भी 1 घंटे का भी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि 42 लेवल पे जो है शेयर ये चल रहा है। थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे आप बोल सकते कि हाँ यहाँ पे देखते हैं हम लोग आधा घंटे का भी इन्फॉर्मेशन एनएचपीसी का, जहाँ पे टेक्निकली जो है शेयर एक 42 लेवल पे चल रहा है। आपको कैसा लगता है दोस्तों एनएचपीसी का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहते कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, रिक्वेस्ट करते जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SMKG को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।